हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्लेवर में आप सबका स्वागत है। कुंदरू की सब्जी तो आप सभी ने कई बार बनाई होगी और खाई होगी। आज हम एक स्पेशल तरीके से कुंदरू की सब्जी बनाएंगे, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम कुंदरू लिया है, इसे कुछ लोग टिंडोरा भी कहते हैं। इसे मैंने पहले ही पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसके साइड्स को काट कर अलग कर लेंगे। इसके बीच से दोनों साइड में इस तरह से कट्स लगाएंगे, अच्छे इस तरह से कट्स लगाएंगे जिससे नीचे का पोर्शन जुड़ा रहे। इसी तरह से सारे कुंदरू को हम काट लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब इसमें कटे हुए कुंदरू डालेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। कुंदरू तेल में डालते ही बहुत तेज़ी से छिटकने लगता है, तो इसे ढककर पकाना जरूरी है। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। जब तक कुंदरू पक रहा है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 2 चम्मच मूंगफली और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को हम एक साइड में रख लेंगे। अब हम कुंदरू चेक कर लेते हैं। जब इसका छिलका हल्का गोल्डन इस तरह से हो जाए तब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से उसी कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तब इसमें पीसा हुआ मसाला डालेंगे। मसाले के साथ में 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर मसाले को चलाते रहेंगे जिससे कि मसाला ना जलने पाए। ऐसा तब तक करेंगे जब तक मसाला अच्छी तरह से ना भुन जाए और इससे तेल अलग ना होने लगे। देखिए, मसाले से तेल अलग होने लग गया है, इसका मतलब कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तब इसमें भुना हुआ कुंदरू डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे और मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे। कुंदरू थोड़ा हार्ड होता है इसलिए इसके पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम कुंदरू चेक कर लेते हैं। 10 मिनट बाद कुंदरू पक चुके हैं। ये देखिए, कुंदरू की कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है या खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी, चावल, पूरी या पराठे के साथ खा सकते हैं। तो आप भी कुंदरू की इस बेहद स्वादिष्ट सब्जी को एक बार मेरे तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करें, यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।